अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास सिक्स, टॉपिक इंटीजर्स, एक्सरसाइज 4E। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4E का आज हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर वन है। सॉल्व इट, फर्स्ट वाला पार्ट है। स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू है सब्ट्रैक्शन साइन 55 डिवीजन साइन 10 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। अब हमने स्टूडेंट्स इन दो वैल्यूज को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो 55 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन साइन से जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड लिखी जाएगी। उसके बाद डिवीजन साइन के बाद वाली वैल्यू को डिवाइजर कहते हैं, तो डिवाइजर लिखी जाएगी, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 10 के टेबल में 55 नहीं आता। 10 के टेबल में 55 से नियरेस्ट क्या आता है? 10 फाइव्स आर 50, ठीक है। 10 फाइव्स आर 50, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 0, 5, 5 में से 5, 0। अब ये 5 छोटा डिजिट है, 10 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट किस डिजिट को नीचे लेके आए? कोई नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों इसको ग्रेटर करने के लिए हम खुद से 0 मेंशन करेंगे, ठीक है। खुद से 0 लगाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? पॉइंट, ओके। अब 10 के टेबल में 50 आता है, जी आता है 10 फाइव्स आर 50। 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास 55 डिविडेंड है, 10 डिवाइजर है, 0 हमारा रिमाइंडर है और क्वोशेंट है 5.5। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा क्वोशेंट है 5.5, उसे हम इस बॉक्स में लिखेंगे। इस बॉक्स को बड़ा कर लें क्योंकि हमें इसमें साइन भी लिखना है, 5.5, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है हमने मेंशन कर दिया 5.5। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने इनके साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 55 का साइन है सब्ट्रैक्शन का, 10 का साइन डिवीजन का नहीं है। स्टूडेंट्स, के साथ जो लिखा है वो नहीं होता तो एडिशन का होता है, एडिशन का है। तो सब्ट्रैक्शन को एडिशन के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आएगा? सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट में जो ब्लैंक फिल हुई है वो है सब्ट्रैक्शन साइन 5.5। सेकंड वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। आगे थर्ड वाला पार्ट है, वैल्यू है 700 डिवीजन साइन सब्ट्रैक्शन साइन 14 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। अब इसमें भी हमने डिवाइड करना है, डिवीजन साइन लिखेंगे, हमारा डिविडेंड होगा 700 और डिवाइजर क्या होगा? 14, ठीक है। अब डिवाइजर जो हमारा 14 है, इसका टेबल हमें रीड करना है। 14 वन्स आर 14, 14 टूज आर क्या होता है? 14 थ्रीज आर। तो यहाँ पे मैं 14 फाइव्स आर करने लगी हूँ, 14 को 5 से मल्टीप्लाई। 5 फोर्स आर 20, 0 टू कैरी, 5 वन्स आर 5 प्लस 2 कैरी 7। तो ये हम 14 फाइव्स आर 70, ठीक है। 14 फाइव्स आर 70 हमने फर्स्ट टू डिजिट्स को यूज किया। 70 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब जो हमारा थर्ड वाला सेकंड वाला 0 है वो हमारा यूज नहीं हुआ, तो वो उसे हम यहाँ मेंशन करेंगे और ऊपर भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हमने 700 में से 700 को सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन हमारा क्या आया है? 50, ठीक है। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे 50। अब हमने साइन को मल्टीप्लाई करना है। 700 का साइन एडिशन का है, 14 का साइन सब्ट्रैक्शन का है। एडिशन का साइन सब्ट्रैक्शन के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन का साइन, ठीक है। क्या आएगा स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्शन का साइन। तो ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड वाले पार्ट को हमने ब्लैंक्स को फिल किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइव वाला पार्ट है, वैल्यू है, फोर वाला पार्ट आप लोगों ने करना है। वैल्यू है 10,000 डिवीजन साइन 5 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अब हम 10,000 हमारा डिविडेंड होगा और 5 डिवाइजर, ठीक है। 10,000 हमारा डिविडेंड होगा और 5 हमारा डिवाइजर। अब 5 के टेबल में 1 नहीं आता, नेक्स्ट 0 भी लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। 5 के टेबल में 10 आता है, जी आता है 5, 2s are 10, ठीक है। अभी जो 3 0 रह गए हैं इन्हें हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे और ऊपर मेंशन करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास 3 जीरोस यूटिलाइज नहीं किए हुए हमने उन्हें यहाँ स्टेप में मेंशन कर दिया और ऊपर भी। इसका मतलब ये है 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 10,000। 10,000 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है।
तो ये बॉक्स छोटा है इसको बड़ा कर दें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2000, ठीक है। अब हमने साइन को मल्टीप्लाई करना है, 10,000 के साथ कोई साइन नहीं, एडिशन क्या है, 5 के साथ कोई साइन नहीं, एडिशन क्या, एडिशन का साइन, एडिशन के साइन से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन का साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 6 वाला पार्ट आप लोगों ने करना है, 7 वाला पार्ट है, वैल्यू है 128° साइन सब्ट्रैक्शन साइन 8 इज इक्वल टू ब्लैंक। अब इसमें हमारे पास 128 डिविडेंड होगा और 8 डिवाइजर, ठीक है। अब 8 के टेबल में 1 नहीं आता, नेक्स्ट 2 भी लेंगे 12, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 से छोटा क्या नियरेस्ट डिजिट आता है, 8 ही आता है, तो 8 वन जा 8, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब इसे 4 को बड़ा करने के लिए हम 8 को नीचे आएंगे, कहेंगे ठीक है 8 के टेबल में 48 आता है, जी आता है, कहाँ तक रीड करने से 6 जा 48, ठीक है 8 6 जा 48, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 16 है, हम इस ब्लैंक में लिखेंगे, बॉक्स ब्लैंक में 16। तो अब हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन का साइंस सब्ट्रैक्शन का साइंस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइंस, ठीक है, एडिशन का साइंस सब्ट्रैक्शन का साइंस से मल्टीप्लाई होगा तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 9 वाला पार्ट है, वैल्यू है 3640° साइन 65, तो इसमें हमारे पास जो डिविडेंड वैल्यू है वो है 3640 और डिवाइजर है 65, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट 65 का टेबल रीड करना है कि 65, अब फर्स्ट टू डिजिट्स हमने स्टूडेंट्स देखें ये 36 65 से छोटा है, तो हम नेक्स्ट 4 वाला डिजिट लेंगे 364। अब हमें 65 का टेबल रीड करना है कि 364 से नियरेस्ट वैल्यू है, तो मैं 65 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 5 से, ठीक है, 65 5 25 5 लिखेंगे, 2 कैरी, 5 6 30 30 प्लस 2 कैरी 32, ये 5 से भी आप 6 करते हैं, 65 मल्टीप्लाई 6 जा 6 5 30 0 3 कैरी 6 6 36 36 में स्टूडेंट्स 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 39, ठीक है। अभी देखें 5 जा करने से 325 आ रहा है और 6 करने से 390, ये 364 है, ये ग्रेटर हो जाएगी तो हम 5 जा लिखेंगे, 65 5 जा 325, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, नेक्स्ट से कैरी लेंगे तो यहाँ नंबर हो जाएगा 14, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब इसमें से कैरी काट दिया तो 1, अब यहाँ पर आएगा 5 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, अब 39 छोटी वैल्यू है, नेक्स्ट 0 नीचे लेके आएंगे इसे ग्रेटर करने के लिए, तो 390, 6 का 390 एग्जैक्ट यही आता है, 65 6 390 में से 390 सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा 56, तो यहाँ हम ब्लैंक में लिखेंगे 56 और अब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो एडिशन का साइन ही आएगा, ठीक है। तो 56 हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक इन सारे पार्ट्स का होमवर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।